अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह जा रहे हैं हम सेमिनार हॉल में योगा करने। कितने रुपए में दे रहे हो? एक कितने रुपए में? 100 रुपए। तो कॉलेज से डायरेक्ट मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि आज अमन भी आ रहा है, वो रात तक आ जाएगा। 9:15 बजे आया है, कब से आते आते। उसके बाद बस फिर अमन नहाने गया था और फिर हम लोग चले गए थे ताई की तरफ, क्योंकि ताई ने बुलाया था डिनर पे। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि अमन बहुत देर से आया था। तो बस फिर हम चले गए। अस्सलाम वालेकुम। बस फिर अमन मिला ताई और अप्पी से, उसके बाद हमने कहा जल्दी से फटाफट खाना लगाओ क्योंकि हमें भूख भी लग रही है। तो हमने जाते ही फिर फौरन खाना खाया। ये होगी, कब कह रहे हैं नाश्ताबाजी, तुम वीडियो बना लो उसकी। क्यों नाश्ताबाजी कह रहे हैं? ये मशीन जो है कम से, बोले हमारे बचपन में की है। खाने के बाद हम खा रहे हैं खीर। 8 बज गए हैं और हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट। यहाँ पर मम्मी चिकन धो रही हैं और मैं बनाने जा रही हूँ आज चिकन चंगेजी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। पहले हम ले लेते हैं अपना 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन ले लिया है। अब इसको सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए आप चाहे तो पूरी रात भी मैरिनेट कर सकते हैं, वरना सिर्फ आधा एक घंटे के लिए मैरिनेशन करें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डालते हैं इसमें नमक। तो इसमें थोड़ा सा ऐसी चुटकी भर स्वाद अनुसार ऐसी नमक डाल देंगे सिर्फ मैरिनेशन के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा कलर आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा पाउडर, 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस। उसके बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा, हमने मैरिनेशन पे लगा दिया है, इसको हम करीबन आधा घंटे रख देंगे। तो इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ेंगे, तब तक के लिए हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने रख दी है कढ़ाई और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमें करनी है प्याज टमाटर फ्राई। तो इसमें हमने डाल देनी है प्याज, ये 3 प्याज हमने चॉप कर ली थी। फिर थोड़ी सी प्याज फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ हम 4 टमाटर लिए हमने, तो 4 टमाटर को चॉप्ड करेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे। 4 टमाटर बड़े बड़े लिए हैं क्योंकि चंगेजी की जो ग्रेवी होती है उसमें मेन इंग्रेडिएंट ही टमाटर होते हैं। तो बड़े बड़े 4 टमाटर ले लीजिएगा। उसके बाद इसको कट करके हम फ्राई कर लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्च काट कर। फिर थोड़ी देर और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और जब ये लगभग थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम गैस को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। फिर हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो ये प्लेट में कर लिया है हमने, इसका ठंडा होने का वेट करते हैं। तब तक हम कर लेते हैं अपने चिकन को फ्राई। हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो हम एक एक करके चिकन के पीसेस को रख देंगे।
तो सारे चिकन के पीसेस को कढ़ाई में डालने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसे देख लेंगे पलट कर, अगर थोड़ा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे, फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गैस जो है मैंने थोड़ा मीडियम ही रखी है और अब मैं पलट के देख लेती हूँ, थोड़ा सा फ्राई लगेगा मुझे तो मैं इसे पलट दूँगी। तो यहाँ ले लिया है ग्राइंडर जार, अब इसमें हम डालेंगे। तो जब तक चिकन के पीसेस थोड़े फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये ठंडा हो गया था ये सारा टमाटर प्याज, तो इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार में इसको डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इधर हम अपने चिकन के पीसेस को पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा फ्राई हो जाए और हल्के हल्के इस पर निशान से पड़ जाएँ जो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम एक एक करके सारे पीसेस को प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा झाड़ लेंगे ताकि ज़्यादा ऑयल ना निकले। तो हमने सारे चिकन के पीसेस निकाल दिए हैं, अब हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हम इसी ऑयल में और ऑयल डालेंगे अपनी ग्रेवी के लिए। तो तकरीबन 100 से 150 ग्राम ऑयल हम डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो हमने बना रखा था टमाटर प्याज और हरी मिर्च का। तो ये पेस्ट को डालने के बाद अच्छी तरह इसको चलाएंगे और अच्छे से भुनेंगे। जितना भुनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उतना ही भुना भुना इसका मसाला होगा, ग्रेवी होगी। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून हम डाल चुके थे मैरिनेशन के टाइम, 1 टीस्पून हम अभी डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल देंगे लगभग 1 टीस्पून नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अच्छा सा कितना भुना भुना मसाला तैयार हुआ है, बस इसी तरह से ये रहना चाहिए। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी जिसमें हमने पेस्ट बनाया था, जिस जार में उसी में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जो लगा हुआ पेस्ट है उसमें वो भी यूज़ हो जाए। तो उसमें पानी डाल के फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा चलाएंगे। उसके बाद फिर हमें डालनी है इसमें फ्रेश मलाई और दही। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून दही, फेंटा हुआ दही लीजिएगा वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें और फटता नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 टीस्पून फ्रेश मलाई या फिर फ्रेश क्रीम, ये थोड़ी बची थी तो मैंने झाड़ दी इसी में। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि दही उसमें फट ना जाए, वरना उसके अलग से वो लम्ब्स बन जाते हैं। और तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी और ये पानी अब हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालेंगे, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए हो। अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लेना, क्योंकि इसके बाद अब हम डालेंगे डायरेक्ट इसमें चिकन के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे। उन सारे पीसेस को डालने के बाद हमें इसे गलाना है। तो ये पीसेस डालने के बाद हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई 3-4 हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून लगभग डालिएगा। उसके बाद फिर इसे 2 से 3 मिनट ढककर रख देंगे और फिर खोलकर देखेंगे तो ये हमारा अच्छा सा एकदम बढ़िया सा चिकन चंगेज़ी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम एक दो बार इसको स्टर कर लेंगे, चला लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और अब हम इसे कर लेते हैं सर्व, क्योंकि ये हमारा रेडी हो चुका है। इसकी ग्रेवी जैसी मुझे पसंद है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी वैसी बनी है और देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो अब मैंने इसे सर्व कर लिया है, मैं खाने जा रही हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।